दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। आज की सबसे पहली खबर, बिहार के मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता मंजूर, जल्द सीधे खाते में आएगा धन। जहां बिहार के ग्राम पंचायत और कचहरी प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता के रूप में 79 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शीघ्र ही पंचायत और कचहरी प्रतिनिधियों के खाते में मासिक भत्ते की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सदस्य और ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच को नियत मासिक भत्ता देता है, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रूपए, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रूपए, पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 रूपए, पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 रूपए, ग्राम पंचायत मुखिया को 2,500 रूपए, ग्राम पंचायत उप मुखिया को 1,200 रूपए, ग्राम पंचायत सरपंच को 2,500 रूपए, ग्राम कचहरी उप सरपंच को 1,200 रूपए, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रूपए, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रूपए, ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रूपए और ग्राम कचहरी सदस्य के पंच को 500 रूपए दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के आंसर की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड। जी हां, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के आंसर की जारी कर दिया। परीक्षार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। आंसर की प्रश्न पत्र से पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जारी की गई है। प्रश्नों के उत्तर को लेकर 6 मार्च तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड से आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। आपको बता दें कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर जाकर रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर के इंटर एग्जाम 2021 पर लिंक पर क्लिक करके आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, होली को लेकर मद निषेध विभाग अलर्ट पर, मंत्री बोले पड़ोसी राज्य से बॉर्डर पर बढ़ेगी सख्ती, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और टोल टैक्स पर लगेगी स्कैनर। जी, राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयोग कर रही है। दूसरी तरफ विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी दलों ने शराबबंदी कानून को लेकर खूब सवाल उठाया। जहरीली शराब से हो रही लोगों की मौत का मामला जब विपक्ष ने उठाया तो मद निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि होली को लेकर भी विभाग अलर्ट पर है और इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में में शराबबंदी कानून में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पहले ड्रोन का सहारा लिया गया था, अब हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि शराब माफियाओं पर नकेल कसे जा सके। विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए स्कैनर की भी है। विभाग इस पर विचार कर रहा है। इस पर अगर सहमति बन गई तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सहित टोल टैक्स वाली जगहों पर स्कैनर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि माफिया किसी भी सूरत में शराब को राज्य में ना ला सके। अगली बड़ी खबर, देश में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, कच्चा तेल $115 के पार, भारत में अगले हफ्ते 20 से 25 रुपए महंगा हो सकता है तेल, जाने इसका चुनावी कनेक्शन। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गुरुवार को $115 प्रति बैरल को पार कर गया। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ना लगभग तय है। पिछले 120 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत करीब 70% चुकी है। आपको बता दें कि देश में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इसी वजह से अगले हफ्ते के दाम बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में लागू होगा योगी मॉडल, यूपी के तर्ज पर अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी अवैध निर्माण पर सरकार बुलडोजर चलवाएगी। गुरुवार को बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक विधायक द्वारा सवाल उठाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अवैध कब्जा कर भले ही 10 मंजिला इमारत बना दी गई हो, सरकार उस पर बुलडोजर चलवा देगी। अगली बड़ी खबर, CSBC का अहम नोटिस जारी, बिहार फायरमैन भर्ती के एडमिट कार्ड इस दिन से कर सकेंगे डाउनलोड। जी हां, केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने नोटिस जारी करके कहा है कि अग्निशमन सेवा में फायरमैन के 2380 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड 15 मार्च 2022 से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी csbc.bihar.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 27 मार्च को 2 शिफ्टों में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। एग्जाम सेंटर के लिस्ट 16 मार्च को वेबसाइट पर जारी होगी।
अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले साल से शुरू हो जाएगी नेपाल और भूटान विमान सेवा। जी हाँ, पटना में नया टर्मिनल वर्ष 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। नया टर्मिनल बनने के बाद पटना से शॉर्ट डिस्टेंस के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकेगी। आपको बता दें कि टर्मिनल तैयार होने के बाद पटना से नेपाल और भूटान तक की विमान सेवा शुरू होगी। ये बातें बुधवार को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक BCH नेगी ने बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यवसायियों के साथ बैठक में कही है। उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण यहां से 3 घंटे से ज्यादा दूरी की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू नहीं हो सकती है। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन जिलों पर पुलिस की रहेगी कड़ी नजर। 24 घंटे ड्रोन से होगी शराबियों की निगरानी, चलेगा सर्च एंड अरेस्ट ऑपरेशन। जी हां, होली को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में 24 घंटे ड्रोन से शराबियों की निगरानी होगी। रात के समय भी इन जगहों पर ड्रोन टोले लगेंगे। उत्पाद विभाग ने विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। तीनों जिलों में अवर निरीक्षक और निरीक्षक समेत मद निषेध विभाग के 21 अफसरों की तैनाती की गई है। इनमें मुजफ्फरपुर में 10, पटना में 7 और वैशाली में 4 अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये सभी पदाधिकारी व कर्मी 23 मार्च तक इन जिलों में प्रतिनियुक्त रहेंगे। पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले को शराबबंदी को लेकर ज्यादा संवेदनशील माना गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी छापेमारी व गिरफ्तारी अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, राज्य में बिजली बिल बकाया रखने वाले ध्यान दे। बिहार में 25,000 लोगों पर केस दर्ज, अब तक 9,220 करोड़ की वसूली। या अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो सावधान हो जाए। बिजली विभाग बकाया बिल की वसूली को लेकर सख्ती कर रहा है। लंबे समय से बकाया वालों को डिफॉल्टर घोषित कर विभाग सख्ती से वसूली करेगा। विभाग ने 9,220 करोड़ की वसूली की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। विभाग अब अधिक से अधिक स्मार्ट मीटर लगाकर बकाए की समस्या को समाधान को लेकर भी बड़ी तैयारी में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 25,000 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ा गया, जिसके बाद केस दर्ज कराया गया है। बड़ी खबर, बिहार में अप्रैल से चालू हो जाएगी पटना के IGMS के नए 10 मंजिला इमारत, इससे बढ़ेंगे 250 बेड। जी हां, बिहार के हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर है। IGMS के नए बने 10 मंजिली इमारत अप्रैल से चालू हो सकती है। इसको लेकर ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। नई इमारत के चालू होने से यहां 250 बेड बढ़ जाएंगे। फिलहाल यहां 142 बेड कार्यरत है। नई इमारत के बेड जोड़ने पर IGMS के पास 392 बेड हो जाएंगे। इसके साथ ही इसके शुरू होने से बिहार के मरीजों को काफी सस्ते विश्व स्तरीय हृदय रोगों का इलाज मिलने लगेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में शुरू होगा 25 नए इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन, कई शहरों की यात्रा हो जाएगी आसान। जहां राज्य में जल्द ही 25 नए इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी। अभी पटना शहरी क्षेत्र के साथ राजगीर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए राजधानी से इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। नई बस सेवा शुरू होने पर कई नए शहर और इलाके इलेक्ट्रिक बस सेवा से जुड़ेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चलाए जा रहे इलेक्ट्रिक बसों के 1 साल पूरा होने पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि राज्य में पिछले साल 1 साल में 9.55 लाख यात्रियों ने इलेक्ट्रिक बसों से सफर किया है। इससे न सिर्फ सफर आसान हुआ है, बल्कि अब प्रदूषण मुक्त वातावरण में लोग बसों में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में बीएड एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू, जाने कब से लिए जाएंगे आवेदन। जी, बिहार के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने स्टेट नोडल अधिकारी घोषित कर दिए हैं। अब बीएड कोर्स सत्र 2022-24 सत्र में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कराई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने बताया कि बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए भौतिकी विभाग के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह एवं मैथिली विभाग के प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को स्टेट नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी वर्ष 2021 के CET की जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि बीएड सत्र वर्ष 2021-23 में नामांकन के लिए 37,350 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 2 वर्षीय कोर्स के साथ साथ संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा शास्त्री में नामांकन की प्रक्रिया आयोजित की गई थी। 2021 के लिए राज्य के 342 सरकारी एवं गैर सरकारी कॉलेज निबंधन था। इन सीटों के नामांकन के लिए 1,36,771 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अगली बड़ी खबर, होली पर बिहार में 2 दिन का अवकाश, लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, कुल 9 दिन की है छुट्टी। जी, होली पर बैंकों में 2 दिन की ही छुट्टी है, लेकिन इसके बाद रविवार पड़ने के कारण लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। माह के तीसरे सप्ताह में बैंकों की अधिक छुट्टियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 से 22 मार्च के बीच कुल 5 में से सिर्फ 1 ही दिन बैंक खुला रहेगा। इसकी वजह से बैंकिंग सेवा के प्रति थोड़ी सतर्कता जरूरी है। मार्च में साप्ताहिक सहित कुल 9 अवकाश है। होली पर बैंकों में 18 से 19
मार्च को बैंकों में अवकाश है, 20 मार्च को रविवार है, इसीलिए लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। वही 21 मार्च को बैंक खुले रहेंगे, लेकिन बिहार दिवस की वजह से 22 मार्च को बैंकों में अवकाश रहेगा। इस तरह 19 से 22 मार्च के बीच सिर्फ एक ही दिन बैंक खुला रहेंगे। इसके अलावा 6 मार्च, 13 मार्च, 20 व 27 मार्च को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे, जबकि 12 व 26 मार्च को माह का दूसरा एवं 14 शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में बगावत कर रहे नेताओं को राजद ने दिखाया बाहर का रास्ता, पूर्व विधायक गुलाब यादव और महेश्वर सिंह निष्कासित। जी हां, राजद ने झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया है। प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष जदानंद सिंह ने उन पर कार्रवाई की है। साथ ही हरिसिद्धि के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप है। पीने लायक पानी की बड़ी परेशानी से जूझ रहा है बिहार, राज्य के 38 में से 31 जिले के भूजल में रसायन मिश्रण का बड़ा हिस्सा। जी बिहार में भले ही सीएम नीतीश कुमार हर घर नल जल योजना से सभी को शुद्ध पेयजल पिलाने की व्यवस्था में लगे हो, लेकिन राज्य में पीने लायक पानी की बड़ी परेशानी है। बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में पता चला है कि ग्रामीण बिहार के बड़े हिस्से में भूजल में रसायन मिला हुआ है, जो कि पीने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित और उपयुक्त नहीं है। यही नहीं, यह पानी बड़ी आबादी के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक तो है ही, साथ ही लगातार इस पानी को पीने वालों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा विधानसभा में पेश सोलहवीं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में कहा गया कि राज्य के 38 में से 31 जिलों के ग्रामीण इलाकों में भूजल आर्सेनिक फ्लोराइड और आयरन का मिश्रण है, जो इसे जहरीला बना रहा है। आपको बता दें कि दूषित पानी के सेवन से त्वचा, लीवर, किडनी और अन्य जल जनित रोग होते हैं। वही प्रभावित जिलों में बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, नवादा और अररिया शामिल। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले से रोज न्यूज देखते हैं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।